मेरे वीडियो को लाइक करें। हेलो, जय माता दी। तो आज हम बनाते हैं अलसी के लड्डू। ऐसे तो ये भुने ही हुए होते हैं, पर थोड़े थोड़े इसको भून लेते, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े ही करेंगे। थोड़ा थोड़ा भून लेते ऐसे ना, अच्छे वाली अलसी है, कड़वी कड़वी है, जो लाई थी हरिद्वार रामदेव बाबा के से। इधर चावल भी भून रखे एक कटोरी, इसको भी अच्छे से भून लिया है। और अभी इसके लिए हम इधर एक पाव मूंगफली भून लेते, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। तो इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। ये मूंगफली हमारी, इसको भी इसी में डालेंगे हम। और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं कोई भी। तो ये मूंगफली भी हमारी अच्छे से हो गई है, इसको भी हम निकाल देंगे। थोड़े से इसके लिए हम ड्राई फ्रूट भून लेंगे। इसमें बादाम, किशमिश और काजू, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे और ड्राई भूनेंगे। ये हमारा हो गया तैयार। हम ज़्यादा नहीं बना रहे, थोड़े से बना रहे। ये अलसी है और ये मूँगफली है, इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी इसी में मिक्स कर दिए। ये चावल है, इसको भी अच्छे से भून लिया है। पहले हम इसी को पीस लेते हैं। तो ये हमने चावल अच्छे से, जब अच्छे से भून जाते तो अच्छे से पीस भी जाते, पीस लिए है। इसको फिर पीस के एक ही बर्तन में डाल देंगे। इसमें हमें ये अलसी पीस लेते, अलसी भी पीस लिया, इसको इधर डाल देंगे। तो अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट और मूंगफली पीस लेते। इसमें फ्लेवर के लिए 3-4 इलायची डाल देते। तो ये हमने मूंगफली और ड्राई फ्रूट कटे ही पीस लिए, इसमें इलायची डाली थी। हम ज़्यादा नहीं बना रहे, थोड़े ही बना रहे हैं। तो ये है अलसी, ये है चावल पीसे हुए, ये है मूंगफली और काजू बादाम। तो ये हमने सब पीस लिया, इसको मिक्स कर देते सबको। इसको हमारे को बड़े बर्तन में करना पड़ेगा, ये होते होते थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसमें ये गिर जाएगा। हमने इसको खुले बर्तन में कर दिया है। तो ये गुड़ कर रखा हमने एक पाव। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए चाशनी भी बना सकते, पर हमने चाशनी नहीं बनाई है। इसको घी डालेंगे इसमें, अगर ज़्यादा दिन नहीं रखना तो इसको चाशनी मतलब थोड़ा गुड़ पगला के रख सकते हैं, थोड़े दिन के लिए बनाने हैं तो। तो अभी हम इसमें घी डालते हैं। घी डालने से क्या है, गुड़ भी गीला हो जाएगा तो अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इसमें 2 कड़छी डालते हैं, छोटी कड़छी है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। कुछ घी हमने पहले डाल दिया था, ये अच्छे से गीला ही हो गया क्योंकि गुड़ पिघल गया इसमें। तो अभी हमने अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी अलसी के लड्डू करते हैं तैयार। इसको हमने गुड़ और मूंगफली, गुड़ अलसी, थोड़े से चावल डाले। तो ऐसे ऐसे लड्डू बना के इसके रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे। 1 महीने तक कहीं नहीं जाएगी क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला। इसमें गुड़, घी और
वो गुड़ी घी डालने से गुड़ भी पिघलने लग जाता है, तो उसी से ही बाइंडिंग हो जाती है। इसी तरह सारे लड्डू बना देंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना देंगे। हाँ जी, तैयार हो गए हमारे अलसी के लड्डू, और इसमें हमने अलसी और मूंगफली, थोड़े थोड़े काजू बादाम, गुड़ और घी से बनाए हुए हैं। आप भी बनाइए, सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मीठे के लिए इसमें चीनी नहीं डाल के गुड़ डाला है, पर थोड़ा मीठा तो डालना ही पड़ता है, ना तो एक कड़ुए बन जाते हैं। अलसी कड़ू ही होती है, इसलिए फायदेमंद भी होती है। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अच्छा लगे तो जरूर करिए।